गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो हम लोग देखेंगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकालते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वैल्यू क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब हो गया कि एक्स क्यूब इक्वल टू अगर वन का क्यूब है तो इसका वैल्यू क्या होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यूब ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी फॉर्मूला ए के जगह आपको एक्स है और बी के जगह वन है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है इतना? अभी दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो आइदर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहां से एक्स का वैल्यू हमको मिल जाएगा वन। अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इससे भी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए के जगह पर कितना है वन है, बी के जगह भी वन है और सी के जगह भी वन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है, तो इसी पर हम इसका रूट निकालेंगे। तो इसका रूट कैसे निकलेगा देखिए, एक्स इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू वन है तो माइनस वन हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर का वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, माइनस फोर इंटू ए का वैल्यू वन है और सी का भी वैल्यू वन है तो माइनस फोर हो जाएगा बाई टू हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू हो गया माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा। तो माइनस वन का आई स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस वन, इसमें हम आई स्क्वायर ले लेंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर थ्री इंटू हो जाएगा आई स्क्वायर बाई टू। तो एक्स इक्वल टू और हो गया माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आई बाई टू, इसमें दो रूट है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो हो गया, रूट ऑफ यूनिटी जो हो गया वह एक तो हो गया वन, दूसरा हो जाएगा माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू और तीसरा हो गया माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू। यही तीन रूट मिलता है। इस रूट का प्रॉपर्टी भी है कि देखो, इस रूट को नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इस रूट को अगर स्क्वायर कर दोगे तो ए आ जाएगा और इसको स्क्वायर कर देंगे तो ए आ जाएगा। तो इसके चलते इसमें हम लोग दोनों एक दूसरा का स्क्वायर करके देखिएगा, आपको छोड़ रहे हैं कि इसका जब भी स्क्वायर कीजिएगा तो वैल्यू ए मिल जाएगा या इसका स्क्वायर कीजिएगा तो वैल्यू ए मिल जाएगा। तो लेट कर दिए कि माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू इक्वल टू अगर हम ओमेगा ले लिए तो निश्चित रूप से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, मैंने उसका स्क्वायर कीजिएगा तो निश्चित रूप से वैल्यू माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाय टू आएगा। तो इसको इस तरह से भी लिखते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को इस तरह से भी लिखते हैं कि यह वन ओमेगा ऑफ ओमेगा स्क्वायर होता है। अब इसका क्या प्रॉपर्टी है? पहला है कि तीनों को अगर सम कर, फर्स्ट में इसका प्रॉपर्टी है कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर कीजिएगा तो यह जीरो होगा। यह आप पर छोड़ रहे हैं कि इसको सॉल्व करके देखिएगा कि वैल्यू जीरो हो जाएगा। और दूसरा चीज क्या होता है कि ओमेगा का क्यूब यानी कि ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा तो ये होता है माइनस वन प्लस थ्री आई बाई टू इंटू माइनस वन माइनस थ्री आई बाई टू। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, माइनस थ्री इंटू हो जाएगा आई स्क्वायर और बाई फोर हो जाएगा। तो वन प्लस थ्री बाई फोर यानी कि फोर बाई फोर
ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो ओमेगा क्यू का वैल्यू वन होता है और इसका एन एच रूट भी निकलता है। एन एच रूट जो भी होता है वह जी पी में होता है। इस सब चीज़ का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे आएंगे।